हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे हो, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव सभी को। सावन मास चल रहा है, इसे बहुत ही पवित्र मास भी कहा जाता है। इसे शिव आराधना को समर्पित मास भी कहा जाता है। इसमें लाखों लोग कांवड़ में गंगा जल ले जाके अपने आराध्य शिव महाराज को गंगा जल अर्पित करते हैं। तो चलिए आज हम गंगा माता के बारे में जानेंगे कि कहां से गंगा माँ का उद्गम हुआ, उनकी संपूर्ण कथा के बारे में। ओम श्री गणेशाय नमः। गंगोत्री महात्मन। श्री गंगा जी का उद्गम स्थान गंगोत्री मंदिर से 18 मील दूर गौमुखी नाम से विख्यात है। यहीं पर राजा भागीरथ ने गंगा को भगवान शंकर से कठिन तपस्या द्वारा प्राप्त किया। इसी से श्री गंगा नदी भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री शिवजी पार्वती से कहते हैं कि जो लोग घोर कलयुग में गंगा जी का स्नान दर्शन आचमन करेंगे, वे तमाम पापों का नाश करेंगे, अंत में वैकुंठ प्राप्त कर सकेंगे। इस भूतल पर गंगा को लाने का श्रेय राजा भागीरथ को है। इच्छा कुश में एक चक्रवर्ती राजा सागर थे। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था। इंद्र ने अश्वमेघ पूरा होने के साथ अपना इंद्रासन जाता देख घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और कपिल मुनि को ध्यानस्थ देख गालियां देने लगे। कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया। इन्हीं अपने पितरों को उतारने के लिए राजा भागीरथ ने गंगा के लिए कैलाश पर्वत पर बड़ी तपस्या की। गंगा ने मृत्यु लोक में आना स्वीकार किया। आकाश में गिरती गंगा के वेग को शिवजी ने अपनी जटा में रोका। फिर वहां से चलकर पर्वतों को तोड़ती फोड़ती गंगा सागर के पास आकर कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ के पूर्वजों को तारती हुई समुद्र में जा मिला। इस पौराणिक कथा के संबंध में हम कुछ ना कहकर एक बात यहाँ अवश्य कह देना चाहते हैं। गंगा को भारत की सभी नदियों से अधिक पवित्र माना जाता है। इसका जल आप किसी भी बर्तन में महीनों रखिए, उसमें जीव नहीं पड़ेगा। बहुत से डॉक्टर लोग हरिद्वार के गंगा जल को आसूस जल की जगह काम में लाते हैं। इसमें रोगों की कृमि नाश करने का गुण प्रधान है। बड़े बड़े आधुनिक विद्वानों ने इसकी परीक्षा की है। कोलरा के अग्रतम विश्वघर जीवाणु भी इससे मर जाते हैं और 6 घंटे के अंदर ही रोगी स्वस्थ हो जाता है। इसके जलपान से और भी अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि गंगा की प्रशंसा से प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। अधिकांश तीर्थ भी इसी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर कथा समाप्त होती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।